बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है गणित पेपर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि गणित का पेपर जो है लीक हो गया था। लीक होने के कारण जो है गणित का पेपर को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 6 मार्च को परीक्षा होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि छात्र जो है आंदोलन शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कि परीक्षा गणित का होगा या नहीं होगा इस पर स्पष्ट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए गणित का पेपर होता है 6 मार्च को, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर गणित का पेपर दोबारा से लेंगे तो हम अपना रिवीजन जारी रखेंगे। अगर आप गणित का पेपर नहीं लेंगे, उसी पर अगर निर्धारित रहेगा, पहले जैसे कि गणित का पेपर लिया गया था और उसी पर अगर निर्धारित रहेगा और गणित का पेपर दोबारा नहीं होगा, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पहले अगर फिर अगर मतलब कि 6 मार्च को अगर गणित का पेपर होगा, तो जल्दी से जल्दी बोर्ड का फैसला आए और हम उस पर जो है तैयारी अपनी जारी रखें, यह छात्रों का कहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको लाइव प्रूफ देंगे। वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट दोस्तों लाइक कर दो, चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। यहां पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड, जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक, यहां पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि मैथ एग्जाम कैंसिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसी में यहां पर बताया जा रहा है कि इसी बीच में सभी विषयों की परीक्षा ली गई है, संपूर्ण ढंग से परीक्षा को समाप्त भी करवाया जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि परीक्षा में कुछ ऐसे जानकारी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा जिस विषय का होता है उस विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के लगभग 1 घंटा पहले छात्रों के पास आ जा रहा था, जिसको लेकर छात्रों के बीच एक परेशानी आ चुकी है। जी हाँ, बोर्ड की तरफ से एक ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का गणित का परीक्षा रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक आधिकारिक जानकारी, जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक जानकारी नहीं निकल कर आई है। ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ से क्या सही में बिहार बोर्ड गणित की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगा। चैनल पर न्यूज़र है तो जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी का इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हमने बिहार बोर्ड की तरफ से एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, आने वाली सभी सूचना रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा। बिहार बोर्ड गणित परीक्षा 17 फरवरी को ली गई है, जिसमें प्रथम पाली का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के लगभग 50 मिनट पहले छात्रों को मोबाइल पर चुका था, जिसकी जानकारी मोतिहारी से निकलकर सामने आई है, जहां पर डीएम के पास खुद प्रश्न पत्र आ चुका था, जिसकी वजह से डीएम द्वारा इसकी जांच की जा रही थी, जिसमें यह पता लगाया गया है कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, वह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जिसकी वजह से यह परीक्षा जो है रद्द करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आश्चर्य वादा, जी हां दोस्तों, वाद कहां से है, यह बताया गया है कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, जिसके लिए बिहार विद्यालय समिति ने मोतिहारी के डीएम को जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि 1 मार्च तक जांच को पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 1 मार्च तो बीत चुका, अब यहां पर 2 मार्च आ चुका है। यहां पर बताया जा रहा है कि फिर छात्रों के बीच एक आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि क्या बिहार बोर्ड गणित परीक्षा 2022 को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई सारे छात्र छात्राओं के मन में यह सवाल उम्र रहा है कि क्या सही में बिहार बोर्ड द्वारा गणित परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और कब लिया जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक गणित परीक्षा को दोबारा। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें देखने को मिला था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का सोशल साइंस विषय का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, जिसके वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, और जो प्रश्न पत्र था वह सीधा बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक लोग पास पहुंच गया था। ठीक है, यानी बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के पास जो है वह प्रश्न पत्र वायरल जो था हुआ था पिछले साल, वो पहुंच गया था। मैट्रिक सोशल साइंस परीक्षा को रद्द करना पड़ा।
लेकिन अभी तक यह जो मामला इतना जोरों शोरों से फायदा नहीं है। यहाँ पर बता दें कि इस बार जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार बोर्ड परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों एक नहीं कई सारे जानकारी सामने आ। दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को यह भी मालूम है कि पांच मार्च से जो है आप लोगों का 5 मार्च से मैट्रिक की कॉपियों की जाँच शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 मार्च को जो है आप लोगों का मैट्रिक का पेपर, सॉरी, जो गणित का पेपर है जो लीक हुआ था मैट्रिक वाले छात्रों का, उनका 6 मार्च को परीक्षा लिया जाएगा। दोस्तों इसकी निर्णय जो है कल को पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, यानी कल 3 तारीख को जो है कंफर्म निर्णय ले लिया जाएगा, और जैसे ही निर्णय लिया जाएगा तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 5 मार्च को मूल्यांकन शुरू हो जाएगा मैट्रिक के छात्रों का, और इंटर के छात्र हैं जो उनको बता दूं कि उनका मूल्यांकन चल रहा है या जोरों शोरों से कॉपियों की जाँच चल रही है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं 5 मार्च 2022 से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि सभी छात्रों को अपने अपने जो है रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस बार जो है आपको ग्रेस अंक भी दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग चिंता मत करें, सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, रिजल्ट आप लोगों का जो है मार्च के लास्ट वीक यानी 28 तारीख को जो है 28 या 29 तारीख को जो है आप लोगों का इसी 2 दिन के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। चिंता ना करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर न्यूज रहे तो सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। यदि अगर आपका मन में कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं।